एक एकदम सुंदर सा एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो आपकी शादी तय हुई, आपकी तो अभी होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन मान लो हो गई, ठीक है, ब्याह शादी तय हो गया, आपके घर रिश्तेदार आ रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार मतलब जीजा और फूफा की बात हो रही है, बड़े खतरनाक होते हैं लोग, उनकी इज्जत स्पेशल करनी पड़ती है, पता है कि नहीं। मान लो आपके घर में आपके जीजू आए, ठीक है, अब उनका आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्वागत करेंगे, और नहीं करोगे तो पूरा मोहल्ला बता देंगे, पता है कि नहीं। गए थे तुम्हारे घर और पानियो नहीं मिला, चाहियो नहीं मिला, बढ़िया तकिया नहीं मिली, बढ़िया कम्बल नहीं मिला, अगर उनको एक भी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दिया, एक भी चीज नहीं दिया, तो साला पूरा मोहल्ला जान जाएगा, पूरा रिलेटिव्स जान जाएंगे कि भैया ये कमी इनके घर हो गई थी। तो लोग इसके लिए क्या करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, और हमारे जैसा रहेगा तो पक्का एल्गोरिदम बना लेगा कि भैया जीजा फूफा आ रहे हैं, एल्गोरिदम बना लो नहीं बेइज्जती हो जाएगी। बात समझ में आई। मान लीजिए आपके घर में एक जीजा, देखो अभी अभी इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है। जीजा आपके घर आए, मान लो ट्रैवल करके आए, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना, अभी एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगा। ट्रैवल करके आपके घर में आपके जीजा आए, आप उन्हें सबसे पहले क्या करेंगे, सीटिंग की व्यवस्था करेंगे, सीटिंग प्लान देंगे, सीटिंग प्लेस देंगे। चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैठने की व्यवस्था कराओगे, फिर उसके बाद उनके लिए आप क्या करोगे, फिर उसके बाद उनके लिए क्या करोगे, आप उनके लिए पानी की व्यवस्था करोगे, ठीक है, मैं एकदम ठेठ में लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को, पानी की व्यवस्था करोगे, पानी के साथ साथ मिठाई भी चाहिए, मिठाई नहीं दोगे तभी दिक्कत, हम आए हैं उतना देर से सिर्फ पानी पिला दिया हमको, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे लोग, उनको चाय पिलाते हैं, ठीक है, चाय पिला देंगे, फिर उसके बाद चाय पिलाने के बाद अब क्या खाएंगे, जीजा खाना खाएंगे, बड़ा प्यार से पूछना पड़ता है, खाना नहीं खाएंगे, बात समझ में आई। उसके बाद मान लो लंच कर लेंगे, रात का समय रहेगा तो डिनर कर लेंगे, ठीक है, लंच कर लिया उन्होंने, बात समझ में आई, लंच कर लिया, लंच करने के बाद अब उनको चौड़ियाने के लिए जगह चाहिए। आपके घर में जगह है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, उनको चौड़ियाने के लिए जगह चाहिए, तो आप उनके स्लीपिंग की व्यवस्था करेंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे, बात समझ में आई, क्या करेंगे आप, स्लीपिंग की व्यवस्था करेंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। चलो मान लिया सोने के लिए दे दिया, जब वो चौड़िया गए तब कुछ करो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जीजा पूछा है ना, बात समझ में आई, उनका कुछ रहे चाहे न रहे, उनका एटीट्यूड एकदम सीना 56 इंच नहीं 86 इंच का सीना चौड़ा रहता है उन लोगों का, जान लो अगर उस ससुराली में चले जाते हैं तो, ससुराली जाने के बाद उनका जो है और भाव काल बढ़ जाता है, भले घरे कुछ मिले चाहे न मिले। गजब बेइज्जती है।